हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड सबको हैप्पी होली एंड हैप्पी धुलेटी इन एडवांस। तो आप सबको भी हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। गुड मॉर्निंग परवा, हैप्पी धुलेटी एडवांस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हमारे सब व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम निकलने वाले हैं गांव के लिए, 10 मिनट के बाद जाएंगे। ये सब हमारा नाश्ता सब कंप्लीट होगा, बाद में जाएंगे। और 11 साल हो गए हमारी शादी को, 11-12 साल इतने सालों में मैंने कभी वहां पर हमारे गांव में कभी होली नहीं मनाई है। इस बार पहली बार हम मनाने वाले है। कभी छुट्टी आई नहीं है, संडे को होली नहीं आई, इसलिए कभी नहीं गए है। तो इस बार 2 दिन के साथ में छुट्टी आ रही है, इसलिए जा रहे हैं। और हमें सब हम तीनों को वहीं पर ही रुकना है, तो इसलिए ये हमें छोड़ने के लिए आ रहे हैं और होली भी मनाने आ रहे हैं। हाँ, और वहां पे पर्व और खुशी दोनों धुलेटी भी खेलेंगे। इस बार मना है, सबको नहीं खेलना है, लेकिन घर में ही दोनों खेलेंगे। और आप लोग भी सबके साथ मत खेलिए, सेफ रहिए, अपने घर में खेलिए, अपने घर के लोगों के साथ ही होली खेलिए। तो अभी निकलने वाले हैं। फाइनली अब हम निकल रहे हैं। ये ड्राइवर साहब यहाँ पर बैठ गए और खुशी ने अभी वहाँ पर गेट खोल दिया है, वरना ये मेरा काम होता है, लेकिन आज वो बोल रही थी मम्मा आज मैं खोल रही हूँ। तो वहाँ पर दोनों है अभी। खुशी आज मम्मा की हेल्प कर रही है, मम्मा के सारे काम में हेल्प करेगी आज से 1 वीक के लिए, है ना? चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। बाय बाय बाय, तुझे नहीं लेके जा रहे हैं। नहीं मैं आ रही हूँ। आ रही हूँ। आज होली है, लेकिन बाहर कुछ कर्फ्यू जैसा माहौल दिख रहा है, कोई दिख नहीं रहा बाहर, सब अपने अपने गांव चले गए हैं। 2 दिन की छुट्टी है, इसलिए सब अपने गांव चले गए हैं और हम भी जा रहे हैं। हम जा रहे हैं। वो तो कब से चले गए होंगे? वो तो सुबह की रात। हाँ, आज हम सुबह लेट से निकले हैं, वरना जल्दी निकल जाते सुबह सुबह। आज थोड़ी देर हो गई, रात के 5 बजे निकल गए होंगे। अभी कालावड़ रोड पे से कुछ शॉपिंग की है, देखो ये झूला, बोल झूला, झूला लिया है हमने। ये बड़ा सा पेड़ है, उसमें लगा सकते, ऐसा वाला लिया है। अरे वाह, अभी पेड़ हमारा बड़ा था नीम का, वो तो गिर गया है जब बारिश हुई थी तब मॉनसून सीजन में, लेकिन अब खेत पे जाके देखते हैं कहाँ पे लगाएंगे। क्या कर रहे हो? ब्लूटूथ, लेकिन यहाँ पर ब्लूटूथ लगाया ही नहीं है तो कैसे कनेक्ट होगा? तो लगाओ अभी, लगा। पेट्रोल पंप पे अभी पहुँच गए हैं और हमें सबको उतरना होगा, तीनों को। क्या बोलते हैं सीएनजी को? कंपोस्ट नेचुरल गैस। अच्छा, उसका फुल फॉर्म। वहाँ से तूने रीड किया है, ऐसा ही पता है? ऐसे पता था, सीएनजी से याद आ गया ना, इसलिए कंप्रेस। लेकिन हमारे पढ़ाई में तो कंपोस्ट आया था ना, हमारी सोशल स्टडीज एसएस में आया था। Thank you.
जाके मिट्टी के खिलौने बनाएंगे। फिर मैंने ना बहुत सारे कलर्स भी लिए, तो उसमें कलर भी करेंगे पेंटिंग वाले। हम अभी एक नर्सरी पे आए हैं, हमें कुछ प्लांट्स लेना था नीम का हमारे फार्म पे लगाने के लिए, लेकिन यहीं पर कुछ वर्कर्स ही है ये सब। ये नर्सरी के जो मालिक है वो अभी यहाँ पर है नहीं, तो कुछ हमारा काम नहीं हुआ। दो तीन प्लांट्स हमको लेने थे अभी, लेकिन वो भाई जो यहाँ पर वर्कर्स है वो दो तीन दिन से ही आए हैं, तो उसको भी कुछ पता नहीं है अभी। और आज होली है इसलिए यहाँ पर दो दिन की छुट्टी होगी शायद, इसलिए ये इसके मालिक है वो नहीं आए होंगे। तो अभी हमारा काम नर्सरी का तो हुआ नहीं। बहुत बड़ी नर्सरी है, सारे प्लांट्स है इधर अवेलेबल, लेकिन हमें तो सिर्फ जो बड़ा पेड़ हो ऐसा ही कुछ लेना था। फ्रूट्स का कोई भी नहीं लेना था प्लांट, लेकिन अभी देख रहे हैं पीयूष कुछ मिल जाए तो। और यहाँ पे जो भाई है उसके पास नंबर भी नहीं है उसका, वरना फ़ोन पे बात हो सकती थी तो एक दो प्लांट हम ले सकते थे, लेकिन वो भी कुछ नहीं होगा। इधर भी ये देख सकते हैं आप, ये वाले बड़े बड़े हैं। और एक ये वाला डोगी है, कब से मेरा पीछा कर रहा है, जब से मैं आई हूँ तब से मेरे पीछे ही लगा हुआ है। और खुशी और दोनों अभी दूर भाग रहे, उसको डोगी से डर लगता है, लेकिन ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। क्यों भाई ऐसा कर रहे हो? देखो ये अभी आगे आगे जा रहा है मेरी, ये मेरे पीछे चलता था अभी। यहाँ पर ये दो अभी सब देख रहे हैं। आसो पार्लर ये रहा, लेकिन बहुत छोटा है। हाँ ये वाला भी बड़ा है। बहुत बड़ी नर्सरी है, लेकिन कोई अवेलेबल नहीं है तो कुछ नहीं ले पाएंगे अभी। चल चल, तो चलिए अभी चलते हैं वापिस। देखो आप, यहाँ पर बहुत ही बड़ी नर्सरी है, कालावड़ रोड पे ही है ये वाली, रास्ते में ही है, हमारे गांव जा रहे हैं रास्ते में। लेकिन आज हमारा काम कुछ नहीं हो पाया, दो दिन की छुट्टी थी तो सब प्लांट्स अच्छे से लगने वाले थे, लेकिन अभी नहीं मिले हैं। देखते हैं शायद रास्ते में और कोई नर्सरी मिलेगी तो वहां से देखेंगे कुछ लेंगे या नहीं। यहाँ पर जो डॉग है ना, यहाँ पे रास्ता भी बहुत ही अच्छा है, बहुत यहाँ पर भी बहुत सारे पेड़ है देखो रास्ते में। और यहाँ पे ये नीम की जो छांव होती है वो नेचुरली ही इतनी मीठी होती है कि समर सीजन में धूप में इसके नीचे सिर्फ बैठेंगे वो ही काफ़ी है, वो ही इतना अच्छा लगेगा। तो हमारा इतना वाला ही बड़ा था, लेकिन बारिश बहुत हुई थी और एक दो दिन जब इतना स्टॉर्म हुआ था तब हमारा ये पेड़ गिर गया था। तो यही तो पहले लेना था, लेकिन कुछ अभी नहीं मिला है, देखते हैं रास्ते में कुछ मिलेगा तो वहां से लेंगे। तो अभी चलते हैं। अभी 11:30 बज जाएंगे और हम अभी आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि नर्सरी पे गए और ये झूला लेने गए थे तो टाइम वैसे भी बहुत लग गया था।
तो अभी एक रेस्टोरेंट पे खड़े हैं, वहाँ से सब्जी लेंगे। घर पे सिर्फ मुझे रोटी बनानी होगी, तो अभी भी उस सब्जी लेने के लिए गए हैं। तो पापा है वो घर पे, हमारा वेट कर रहे हैं कि जब आएंगे तब खाना बनाएंगे। इसलिए हमने सोचा थोड़ा बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी पहुँचने में, तो अभी होटल पे रुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्वत थोड़ा ऐसे सो रहा है। आज काफ़ी लेट हो चुका है, हॉलीडे होता है तो थोड़ा देर से ही सुबह उठते हैं बच्चे सब पीयूष, इसलिए आज थोड़ा लेट हो गए। वरना तो कहीं भी जब गांव जाते हैं सुबह जल्दी उठ के जल्दी निकल जाते हैं, और सब साथ में होता है खाना बनाना सब करके ही निकलते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। और कभी कभी कुछ फेस्टिवल होता है तो हम माइंड से ही थोड़ा रिलैक्स फील करना चाहते हैं, इसलिए भागा दौड़ी नहीं करना चाहती थी मैं आज, तो आज इसलिए थोड़ा लेट हो चुका, देर हो गई मुझे। अभी 1 बजे शायद पहुंच जाएंगे, 1 तो नहीं बजेगा लेकिन 12:30 बजे शायद पहुंच जाएंगे। अभी रास्ते में कुछ नर्सरी आएगी तो वहीं पर भी जाएंगे प्लांट लेने के लिए, लेकिन बीच में तो नहीं आती, जो मिलेगी तो प्लांट वहीं से लेंगे, तो थोड़ी देर हो सकती है, वरना हम 12:30 बजे पहुंच जाएंगे या 1 बजे। पर्व को अभी नींद आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही। हाँ, खुशी तो सो ही जाती है, लेकिन आज देखो आराम से मोबाइल में खेल रही है। हाँ, सॉन्ग सुन रही है। एक जगह पर यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से ये हाईवे से ये रास्ता अंदर जाता है हमारे गांव को, तो यहाँ से 12-13 किलोमीटर है हमारा गांव। आप देख सकते हैं, मैंने अभी दिखाया, हाँ ये वाला रास्ता है। चावंडी लिखा है, वो 8 किलोमीटर है यहाँ से, और वहीं से 4 किलोमीटर हमारा गांव है। ये सब गाड़ियाँ जा रही है, हाँ वहीं पर जाना है, और वो दूसरी गाड़ी गई उस तरफ, वो हाईवे है, वो कालावड़ रोड है, कालावड़, और उस तरफ धोराजी तक जाता है वो रास्ता, और ये अंदर तक जाएगा, वो हमारा गांव यहाँ से आ जाएगा। मम्मा, ये जो वहाँ पर अपने क्या कहा, वो कालावड़ से कहा जाता है धोराजी जाता है? हाँ, वो गाड़ी जा रही है ना, हाँ वो रोड है, वो धोराजी हाईवे है, धोराजी तक जाएगा। धोराजी हाईवे पर ये तो उड़ गई। दिव्या मासी के जल सेरेमनी में गए थे ना? हाँ वो ही। और मुझे वहाँ पर जाना है रवि मासा से मिलने। मासा वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर वो तो बड़ोड़ा में है। बड़ोड़ा ही होते, बड़ोड़ा नहीं है, जब शादी होगी तब बड़ोड़ा जाएंगे। बड़ोड़ा जाएंगे लेकिन मासा अभी बड़ोड़ा पे है। अभी हम घर पे आ गए है, 12:30 बज गए है। उसी सो गई थी रास्ते में, अभी उठी है, सब सारा सामान निकालेंगे, बहुत धूप है। चलो मम्मा की हेल्प कर दो, ये लो अभी बाहर आ जाओ पहले। अभी सब सो के उठे हैं और यहाँ पर बन रही है मेरी चाय, देखो और बाहर काफी धूप भी है अभी। देखो यहाँ पे बहुत धूप है बाहर। हाय, गुड। खुशी यहाँ पर बूंदी खाने की तैयारी कर रही है, देखो पूरा बाहुल भर लिया है।
स्पेशली गांव में होली होती है तब कुछ ना कुछ मिठाई बनाते हैं खाने के लिए, या गाठिया होता है या आप कुछ लड्डू बना दो ना। हाँ, लड्डू, बेसन के लड्डू या कोई भी स्वीट बनाते हैं, लेकिन आज टाइम मिलेगा तो बनाएंगे वरना नहीं बनाएंगे। नहीं, गुंदी लेके आए हैं तो चलेगा, ये स्वीट है ही, कुछ भी स्वीट खाने को होती है तो आज ये स्वीट है। तो हमें अपने पेट्स, अगर हमारे पास काउ है, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, पेट एनिमल्स नहीं है। हाँ, पहले थे तो बफेलो थी। नहीं मम्मा, काउ भी थी ना, या नहीं थी? शायद थी। हमें अपने डोमेस्टिक एनिमल्स, कोई भी एनिमल्स हो हमारे पास, उनका शेल्टर क्लीन रखना चाहिए ताकि वो भी क्लीन रहे। तो ये देखो, अभी मम्मा शेल्टर वापस से क्लीन कर रही है, मतलब कि वहां पर झाड़ू लगा रही है। मम्मा, आपको ये बैलों से डर लगता है? थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन डरते तो हो ना, थोड़ा बहुत तो थोड़ा बहुत। ये देखो, ये बड़ा वाला है ना, ये साइड का, उसका नाम है थक्कू और इसका नाम है पक्कू। मैंने और परवा ने दोनों ने उन दोनों का नेम रखा था। आप कितने पास आ जाओगे आप मेरे? अब वो दोनों खाएंगे और मम्मा झाड़ू लगाएगी। अभी ये हमारा वीडियो है, थोड़ा लंबा हो गया है, तो हमारा पार्ट टू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, एंड पार्ट टू जरूर देखिए।